आई एम नीतू निगम, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिवीजन क्वेश्चन आंसर फॉर एनुअल एग्जाम 2022 क्लास 5 सीबीएसई बोर्ड हिंदी। इससे पहले मैंने इंग्लिश कंप्यूटर ईवीएस और पैट के रिवीजन क्वेश्चंस एनुअल एग्जाम के लिए वीडियो डाल चुके हैं। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज उसे अवश्य देखें। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन 1 एंड रिवीजन 2 दोनों को मैं एक साथ इसमें ऐड कर रही हूँ। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। 1, सहम कर, डर कर, थमना, रुकना, कछार, नदी का किनारा, कश कर, मजबूती से, भंडार, खजाना। तो प्रश्न संख्या 2, सही और गलत लिखें। 1, बीसन ने पहली बार में तीतर को पकड़ लिया। गलत। 2, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सही। 3, जवाहरलाल ने हिमालय की चुनौती को स्वीकार नहीं किया। गलत। प्रश्न पत्र 3, एक शब्द में उत्तर दो। 1, पानी से किसकी गुल्लक भारी है? उत्तर, धरती की। 2, बरसात में नदी का जल कैसा होता है? बरसात में नदी का जल गंदला होता है। 3, मातायान से अमरनाथ की दूरी कितनी थी? उत्तर, 8 मील। 4, बहू जी कटोरी में क्या लाई? दलिया। प्रश्न क्रमांक 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया। 2, हम भूजल भंडार का महत्व भूल गए हैं। 3, बर्फीले मैदान की तुलना देवताओं के मुकुट से की गई है। प्रश्न क्रमांक 5, वाक्य बनाइए। 1, चकमी, गोली लगने से पीतल का पैर जख्मी हो गया। 2, स्वीकार, मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 3, दुर्गम, हिमालय की चढ़ाई बहुत दुर्गम है। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, बिशन ने शिकारियों के विषय में क्या सोचा? बिशन ने शिकारियों के विषय में सोचा कि कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। 2, बच्चे नदी में स्नान करने का आनंद किस प्रकार उठा रहे हैं? उत्तर, बच्चे नदी में कूद कूद कर तथा एक दूसरे पर पानी डाल डाल कर स्नान करने का आनंद उठा रहे हैं। 3, जवाहरलाल को खाई से निकलने में किसने मदद की? उत्तर, जवाहरलाल को खाई से निकलने में किशन और उनके भाई ने मदद की। 4, जल चक्र की प्रक्रिया क्या है? समुद्र और अन्य जल स्रोतों से उठी भाप ऊपर जाकर ठंडी होकर बादल का रूप ले लेती है। घनीकरण होने पर ये बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है। यह प्रक्रिया बार बार होती है, इसी को जल चक्र कहते हैं। इस प्रकार यह रिवीजन कंप्लीट होता है। अब हम रिवीजन 2 देखेंगे। शब्दार्थ लिखें। दुर्गम, जहां जाना कठिन हो। 2, विशाल, बहुत बड़ा। 3, सघन, घना। 4, घायल, जख्मी। प्रश्न क्रमांक 2, सही उत्तर लिखें। 1, बाढ़ आने पर चारों तरफ पानी की कमी हो जाती है। गलत। 2, बिशन घायल तीतर को पालना चाहता था। सही। 3, नदी की धारा सीधी थी। गलत। प्रश्न क्रमांक 3, किए गए मुहावरों के अर्थ लिखें। 1, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। 2, आंखों का तारा, बहुत प्यारा। 3, चार चांद लगाना, सुंदरता बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए शब्दों को सुख लिखिए। आदरणीय, आदरणीय, आशीर्वाद, आशीर्वाद, कृपया, कृपया, अग्नि, अग्नि।
प्रश्न क्रमांक 5। पांच, नीचे दिए गए उपसर्ग एवं प्रत्ययों से एक एक शब्द बनाएं। उपसर्ग कुपुत्र, प्रति प्रतिदिन, ख प्रत्यय, दार समझदार, आपा मोटापा। प्रश्न क्रमांक 6, एक शब्द में उत्तर दो। 1. जवाहरलाल ने पहाड़ पर चढ़ने से पहले अपने किस अंग में रस्सी बांधी? उत्तर, कमर में। 2. कई घरों का पानी कैसे तेजी से खींच लिया जाता है? मोटर से। 3. किसकी आवाज से पूरी घाटी गूंज गई? गोलियों की। प्रश्न क्रमांक 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. बिसर ने तीतर को सीने से चिपका लिया। 2. बाढ़ में कुछ दिनों के लिए सब कुछ बह जाता है। 3. पहाड़ी रास्तों पर एक एक डग भरना भी कठिन था। 8. वाक्य बनाइए। 1. क्वेश्चन, मुझे हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है। 2. सांझ सकारे, मंदिरों में सांझ सकारे पूजा शुरू हो जाती है। 3. भंडार, धरती के नीचे जल का बृहद भंडार है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्नों के उत्तर लिखें। 1. कांटेदार झाड़ियों से होकर जाने से विषन का क्या हाल हुआ? उत्तर, कांटेदार झाड़ियों से होकर जाने से विषन के हाथ पांव में बहुत सी खरोचे उभर आई। 2. मनुष्य के लालच ने पानी के स्रोतों का क्या हर्ष किया? उत्तर, मनुष्य ने अपने लालच के कारण तालाबों झीलों को पाट कर समतल बना दिया है। इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम, कहीं सिनेमा घर आदि बना दिया है, जिससे धीरे धीरे पानी का खजाना समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि ढकी हुई धरती पानी का संग्रह नहीं कर पाती है। 3. बच्चे मछलियां कैसे पकड़ते हैं? उत्तर, बच्चे आंचल का किनारा पकड़कर नदी में मछलियां पकड़ते हैं। 4. किशन और जवाहर के भाई ने जवाहर की क्या मदद की? उत्तर, किशन और जवाहर के भाई ने जवाहरलाल की खाई से निकलने में मदद की। मिलान कीजिए। 1. पंजाबी बहुमुखी, उर्दू, फारसी, जर्मन, रोमन, संस्कृत, देवनागरी। प्रश्न क्रमांक 2, निर्देशानुसार काल परिवर्तन करके वाक्य पुनः लिखें। क, खेल खत्म हुआ भविष्य काल में। उत्तर, खेल खत्म होगा। ख, बच्चा सो गया था वर्तमान काल। उत्तर, बच्चा सो रहा है। ग, तितलियां उड़ रही है भूतकाल। उत्तर, तितलियां उड़ रही थी। भ, कल मोनू का जन्मदिन था भविष्यकाल। उत्तर, कल मोनू का जन्मदिन होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्वेश्चंस आपको एनुअल एग्जाम में मददगार साबित हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।